हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज मैं हिंदी साहित्य और भाषा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को रोज़गार की दृष्टि से कौन कौन से क्षेत्र है उस पर बातचीत करूंगा। कई बार देखने में मिलता है कि जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य से बीए करते हैं या एमए करते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें रोज़गार को लेकर काफ़ी चिंता रहती है और अपने विषय को लेकर थोड़ी सी हीन भावना रहती है कि वे हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य ही ऐसा मात्र विषय है जिसमें प्रारंभ से लेकर उच्च शिक्षा तक, यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक और अन्य क्षेत्रों में भी रोज़गार मिलने की संभावना सर्वाधिक होती है। बस ज़रूरत है कि वे अपने विषय को ध्यान में रखते हुए एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें। ये नहीं कि हिंदी साहित्य के साथ साथ कोई साइड में और भी काम कर रहे हैं, तब उन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी जो अभी शुरुआती दौर में होंगे, यानी कि बीए कर रहे हों या एमए कर रहे हों और वे रोज़गार पाना चाहते हैं, तो उन क्षेत्रों के बारे में मैं बातचीत करूंगा। अगर देखा जाए तो साहित्य पढ़ने वाला विद्यार्थी लेखक बन सकता है, वह कहानी, कविता या किसी भी विधा में अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा वह सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म स्क्रिप्ट लिख सकता है, वह स्लोगन लिख सकता है। जितने विज्ञापन आते हैं वह कोई ना कोई स्लोगन पर आधारित होते हैं, तो उसमें भी करियर बन सकता है। दूसरा जो है वह मीडिया के क्षेत्र में है, आप पत्रकारिता अच्छी कर सकते हैं, समीक्षक के रूप में काम कर सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर अच्छा लेख लिख सकते हैं, तो यह क्षेत्र है। तीसरा शिक्षा विभाग, इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हिंदी साहित्य और भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपार संभावनाएँ हैं। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहते हैं तो आपको सामान्य तौर पर बीए के साथ बीएड या बीटीसी की डिग्री होने के बाद तमाम राज्यों में भी वैकेंसी जाती हैं और अपने स्टेट में भी वैकेंसी आती हैं, तो उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर टीजीटी में जाना चाहते हैं तो सामान्य रूप से बीए के बाद बीएड की डिग्री लेने के बाद आप आयोगों से एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद टीजीटी में जा सकते हैं, यानी कि डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, अलग अलग जितने राज्य हैं उनके आयोगों से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए आप हिंदी में एमए करने के बाद बीएड के साथ ही आप डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि में प्रवक्ता के रूप में भी रोज़गार पा सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एमए, नेट, पीएचडी की डिग्री ज़रूरी है। इनके बाद आप केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या कमीशन से जो भी कॉलेज कैडर के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं उन क्षेत्रों में जा सकते हैं। आप डायट प्रवक्ता यानी जो प्रशिक्षु विद्यार्थी होते हैं जो बीटीसी या बीएड करके नौकरी में जाते हैं उनको पढ़ाने वाले एक हर स्टेट में डायट नाम से संस्था होती है, उसमें आप लेक्चरर के रूप में चुने जा सकते हैं। अगर अन्य क्षेत्रों में बात करें तो आईबीपीएस के माध्यम से राजभाषा अधिकारी का पद आता है बाद में, जिसकी नियुक्ति बैंक्स में होती है। तमाम बैंक हैं उनमें आप राजभाषा अधिकारी के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको हिंदी विषय से एमए होना चाहिए और बीए में आप अंग्रेजी भी पढ़े हों तो इस परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से संसद यानी पार्लियामेंट में भी हिंदी अधिकारी के रूप में पोस्ट आता है, समय समय पर आता रहता है, तो उसकी भी योग्यता यही है, एमए हिंदी से होना चाहिए और बीए यानी ग्रेजुएशन स्तर पर आपकी कोई अंग्रेजी होना चाहिए, तो इस क्षेत्र में जा सकते हैं। आप ONGC में हिंदी भाषा अधिकारी के रूप में जा सकते हैं। यह जब UGC का पेपर होता है तो उसमें उसी समय इसका भी फॉर्म भरने का मौका मिलता है। जो कट ऑफ में हाई रैंक वाले होते हैं उन्हें ONGC सीधे राजभाषा अधिकारी के रूप में
हिंदी भाषा अधिकारी के रूप में चयनित कर लेता है। इसके लिए वहाँ आप अनुवादक हो सकते हैं, तमाम दूसरी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद का क्षेत्र भी आप ट्रांसलेशन में MPhil PhD भी कर सकते हैं और उच्च शिक्षा में जाकर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा UPSC PSC में आप वैकल्पिक रूप में हिंदी साहित्य को लेकर अपने चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हिंदी साहित्य और भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार को लेकर बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत यह है कि अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो उस पर आप दूसरे विषयों की तरह ही फोकस रहें। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं वैसे ही हिंदी साहित्य को भी महत्व दें, न कि साइड में कोई और काम करने लगें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दो नावों में सवार होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर एक विषय पर आप ध्यान देकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हिंदी में तो इतनी सीट्स आती हैं कि इसमें प्रतियोगिता भी है लेकिन चयन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि जितने भी नए बच्चे होंगे जो अभी हिंदी साहित्य लेकर BA या MA कर रहे होंगे, उन्हें रोजगार के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी मिली होगी और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वे अपने आगे के करियर को सुनिश्चित कर सकते हैं।